स्कूल के प्रिंसिपल जनाब इफ्तिखार अहमद सर, वाइस प्रिंसिपल मसरूर अहमद सर, सुपरवाइज़र साजिद अहमद खान सर, सभी असातिज़ा इकराम, मुअल्लिमात, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जुमा को स्कूल के अंदर कुछ अख़लाक़ी बातें ख़ास तौर से आपको याद दिलाई जाती है, और वो इसलिए होती है कि आप लोग इन बातों को सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, इस पर अमल पैरा होंगे, इसीलिए ये बातें बार बार दोहराई जाती हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, और वो बात यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा बख्शा है, यानी अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में जितनी भी मखलूक की तख्लीक की है उसमें सबसे अफजल दर्जा इंसान को दिया है। वो क्यों? क्योंकि इंसान को फहम, अकल, ज़बान और बहुत सारे नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमको दी है उन नेमतों पर हम उसके शुक्रगुज़ार बने। अगर हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करते हैं तो वो उसका हिसाब भी हमसे लिया जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको एक जिस्म दिया और इस जिस्म के अंदर बहुत सारे आज़ा दिए, इसकी कदर हमको अभी नहीं होती है कि ये जो आज़ा हमारे हैं हम नॉर्मली उमूमन बस ये ऐसा ही है, चल रहा है, हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब जिस्म का एक उज़ू ख़राब होता है तो उसकी तकलीफ़ का हमको एहसास होता है, उसकी कमी का हमको एहसास होता है कि हमारा साथ क्या हुआ करे। लेकिन जब वो हमारे पास सही सालिम होते हैं तो हम उसकी कद्र नहीं करते। इसी तरह से दूसरी एक नेमत हमको अल्लाह ताला ने जवानी दी, और जवानी दी है तो जवानी के साथ इंसान के अंदर उसका नशा भी आता है, और ये जो नशा होता है ये नशा इंसान को बेसुद कर देता है, और ज़्यादातर आजकल देखने में यही आ रहा है, और इंसान इस तरह से बेसुद होता है जैसे उसको क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया गया। क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद मालूम है क्या होता है? इंसान अपने सारे होश व हवास खो देता है, उसका कोई भी जो हिस्सा है वो बाकी नहीं रह जाता। तो उस नशे के अंदर हम बहुत सारे गलत इकदाम उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे अतराफ में बहुत सारे खाने पीने की अशिया है, हम अच्छी चीज़ों को छोड़कर बुरी चीज़ों के आदि बन जाते हैं। मेरा इशारा सब लोग समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरा एक अपना ज़ाती तजुर्बा स्कूल के अंदर 2 महीनों में ये रहा है कि मैंने जो बच्चे अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं उन बच्चों के अंदर मैंने कुछ गलत आदतें पाई है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कौम के ये नौनिहाल किसी तरह डूब जाए, गलत आदतों का शिकार हो जाए। इसीलिए ये बात यहाँ पर आपको याद दिलाई जा रही है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से हम अच्छी नेमतें जो है इस्तेमाल करें, और बुराइयाँ भी हैं हमारे अतराफ तो बुराइयों का हम इस्तेमाल ना करें, खराबियों का इस्तेमाल ना करें, माहौल में गंदगी है गंदगी का इस्तेमाल ना करें, इससे बचने की कोशिश करें। और जब हम स्कूल में आ रहे हैं, हम तालीम याफ्ता कहलाने के लिए आ रहे हैं, तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, तो तालीम से हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो उजागर होनी चाहिए, ना कि हम किसी को तकलीफ़ देने वाले बने, अपनी ज़ात से नुकसान पहुँचाएँ। तो जो नेमतें हमको दी गई है, जैसे मैं बात कर रहा था कि जवानी भी हमको दी गई है, तो ये ज़्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है, इसको संभाल कर रखना, इसकी कद्र करना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी है। इसी तरह से कुछ दिनों बाद फिर ये अरसा निकल जाएगा, जैसे हम आज बच्चे हैं, बचपना, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 4 मरहले हैं, और इन 4 मरहलों से हर एक को गुजरना है। ऐसे ही एक मर्तबा कोई बुज़ुर्ग रास्ते से गुज़र रहे थे, तो
कुछ लड़के वहाँ भी खड़े हुए थे, नौजवान टाइप लड़के थे बिल्कुल, और वो बुज़ुर्ग की हालत इंतहाई खस्ता थी, हाथ में लकड़ी, चश्मा लगा हुआ, पूरी तरह से झुके हुए नीचे देखकर जा रहे। बच्चों में आदत होती है मजाक करने की, किसी ने मजाकिया अंदाज में पूछ लिया, बड़े मियाँ क्या ढूंढ रहे हो? जनाब ने जवाब दिया, बेटा जवानी ढूंढ रहा हूँ, कल तुम भी ढूंढोगे। और ये कहकर वो बड़ी संजीदगी से आगे बढ़ गए। लेकिन उसमें एक बड़ा सबक था, ये बात के अंदर एक बहुत बड़ा सबक था कि जो नेमत अल्लाह ताला ने जवानी की हमको दी है, इसका सही इस्तेमाल करें। हम देखने में आ रहा है कि हमारे नौजवान मोबाइल के अंदर में गुम हो चुके हैं, रातों को चौक चौक पर बैठे हैं, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, बुरी बुरी चीज़ें उसमें देख रहे हैं, सुबह में फजर में उठ नहीं रहे हैं। तो कब हमारे अंदर ये सुधार आएगा? और जो बातें यहाँ मैंने पहले ही कहा कि जो बातें बताई जा रही है वो अमल की नियत से, और हमको सुनना भी अमल की नियत से, कि अगर हमारे अंदर में ये ख़राबी है तो उसका मुहासिबा करना है, उसको रेक्टिफाई करना है और उसको दूर करने की कोशिश करना है। तो ये चंद बातें जो थी मैंने कही आपसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनेंगे। बोलिए इंशाल्लाह। ठीक है, इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।